है, जहां खबर आई है कि नोहर में बकाया बीमा क्लेम दिए जाने की मांग को लेकर नोहर उपखंड कार्यालय के आगे किसानों का धरना आज बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि 2019 के बीमा क्लेम को लेकर उपखंड प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने पर घोषणा के मुताबिक किसान नोहर उपखंड कार्यालय के आगे धरना देकर बैठे हैं और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा के अनिल शोरा ने बताया है कि उपखंड को ज्ञापन दिया गया है और इसके साथ ही धरना आज सातवें दिन भी जारी रहा। धरने पर अरड़की गाँव के किसान बैठे हैं, उनका कहना है कि जब तक किसानों को बकाया बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा। कार्यक्रम यह है कि 15 तारीख तक यदि सभी किसानों के खातों के अंदर फसल बीमा क्लेम नहीं आया तो यहाँ तमाम गांव के किसान पड़ाव डालेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा।